तो हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टेक्निकल एम के में आपका फिर से स्वागत करता हूँ गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो है कि फेसबुक पे व्हाट्सअप बटन किस तरीके से ऐड करते हैं गाइस। जी हाँ, अगर आप भी फेसबुक यूज़र हो और आप जानना चाहते हो कि फेसबुक पे व्हाट्सअप बटन किस तरीके से लगाया जाता है गाइस, तो गाइस शुरू से लेके एंड तक वीडियो के साथ बनी रही गाइस। गाइस बट यहाँ क्या होता है गाइस, कई लोग आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं गाइस, और आपका फेसबुक अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ है गाइस, और आप चाहते हो उस पर कॉन्टैक्ट करने के लिए गाइस उसमें एक नंबर ऐड कर दें, जैसे कि एक व्हाट्सअप नंबर ऐड होने के लिए बोलता है, उसमें व्हाट्सअप नंबर ऐड करके आपसे कोई इजी तरीके से कोई पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है गाइस। तो गाइस आप भी यही जानना चाहते हो तो गाइस किस तरीके से अपने फेसबुक में व्हाट्सअप बटन को ऐड कर सकते हो गाइस। सबसे पहले गाइस आप लोगों को फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे प्रोफाइल देखने मिला ये फोटोज़, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। तो गाइस आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर ऐड होया गाइस। इससे आप कोई भी पर्सन किसी भी आसानी तरीके से यहाँ पे कॉल कर सकते हैं गाइस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है गाइस। यहाँ पे मेरा या खुद का पर्सनल अकाउंट है, लेकिन मैं इसको बिजनेस नहीं बनाया है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है फेसबुक, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर ऐड कर देना है। तो गाइस आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर ऐड करने के लिए गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है यहाँ पे थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखने मिल रहा है एडिट प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस। तो गाइस स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखने मिल रहा है लिंक्स, तो गाइस यहाँ पे देखने मिला है एडिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे तो गाइस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। आप लोगों यहाँ पे क्या करना, मेरे यहाँ पे खुद का ऐड है नंबर, तो मैं इसको डिलीट करके हम दिखा देते गाइस। यहाँ पे हमने इसको हटा देते, रिमूव कर देते। तो गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। तो गाइस आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ पे देखने मिला है ऐड सोशल लिंक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इंस्टाग्राम पे यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे सोशल लिंक हो यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कई सारे सोशल लिंक आ चुकी हैं गाइस, जिसमें भी आपको सोशल लिंक लगाना है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब भी दे रहा है, टकाटक भी दे रहा है, और यहाँ पे व्हाट्सअप दे रहा है। देख सको यहाँ व्हाट्सअप का ऑप्शन भी देखने को मिल गया गाइस। ये देख सको व्हाट्सअप, मैंने इसको किया टिक। टिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सको व्हाट्सअप ऐड हो चुका है गाइस, और यहाँ पे देखने मिल रहा है कॉन्टैक्ट नेम, इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है जिससे आप व्हाट्सअप बनाया आपने, तो गाइस यहाँ पे नंबर डाल देना गाइस। चलिए गाइस हम फटाफट से यहाँ पे नंबर फिल कर देते हैं गाइस। तो गाइस इसने नंबर फिल कर दिया गाइस। करने के बाद तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा बढ़िया व्हाट्सअप नंबर ऐड हो चुका है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिला ये लोगो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे लोगो देखने को मिला इंटरफेस, यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक। अरे यहाँ पे पब्लिक करना चाहते हो, अपने नंबर को पब्लिक करना चाहते हो, यानी कि सब लोगों को यहाँ पे नंबर को दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पब्लिक पे क्लिक कर लेना गाइस। अगर आपको फ्रेंड को ही पब्लिक करना है, यानी फ्रेंड को ही नंबर दिखाना, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको ही नंबर दिखाना चाहते हो, तो आपको फ्रेंड्स पे क्लिक करके उनको ही आपका नंबर शो होगा गाइस, है ना गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिर दोबारा इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरव्यू है मोर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे देख सकते हो ओनली मी, यानी कि आप लोग ही के लिए देखना चाहते हो, यानी कि खुद ही देखना चाहते हो, और कोई किसी को नहीं दिखाना चाहते हो, ना ही फ्रेंड को दिखाना चाहते हो, और ना ही उस नंबर को पब्लिक करना चाहते हो, तो ओनली मी पे भी क्लिक कर सकते हो गाइस। और यहाँ पे देखने मिल रहा है क्लोज फ्रेंड, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, जैसे आपको क्लोज फ्रेंड बनते हैं जैसे, और आप चाहते हो कि मेरे क्लोज फ्रेंड ही मेरे व्हाट्सअप नंबर को देखें, अन्यथा मेरे व्हाट्सअप नंबर को कोई ना देख सके, है ना गाइस। तो आप क्लोज फ्रेंड यहाँ पे चूज भी कर सकते हो गाइस। तो फिलहाल मैं यहाँ से कुछ नहीं करना चाहता, ओनली मी पे ही क्लिक करूंगा, क्योंकि हम अपने पार्टनर नंबर को किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूं। और आप अपने हिसाब से यहां पे एडजस्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो गाइस, है ना गाइस। तो मैं ओनली मी पे कर दिया। ओनली मी पे करने के बाद गाइस यहां पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहां पे सर्चिंग ले रहा हो, यहां पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस। तो गाइस आपको अब क्या करना, आपको बैक आ जाना है, और एक बार बैक आ जाना है, और आपको इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश कर लिया गाइस, तो गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां पे ऐड हो चुका है गाइस। तो इस तरीके से आप आसानी तरीके से यहां पे व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हो गाइस। आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको अपने फेसबुक में व्हाट्सअप नंबर ऐड करने में कोई दिक्कत परेशानी मालूम पड़ती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्दी से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक टेक्निकल एमके में बाय।